नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या जरूरत होती है, इसके बेसिस पे नंबर सिस्टम जो है ये बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में बांटे गए हैं। जैसे पहला हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बाद हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और इसके बाद हो गया हेक्साडेसिमल। अब ये जो आपके पास नंबर सिस्टम बांटे गए हैं तो ये इसके बेस वैल्यू और रेडिक्स के हिसाब से इसको विभाजित किया जाता है। जैसे जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका हमेशा जो बेस वैल्यू होता है ये 10 होता है, और बेस वैल्यू 10 होने का मतलब ये होता है जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो आपकी 0 से लेकर 9 तक होगी। कोई भी इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो 0 से 9 तक नहीं होगी, 0 से 9 तक होगी, और ये आपकी वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। तो ये आपके पास 10 वैल्यूज होंगी और इसका जो बेस होगा ये आपका 10 होगा, और इसका जो रेडिक्स होगा ये भी आपका 10 होगा। अब दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसकी जो बेस वैल्यू होती है ये होती है 2, और इसके अंदर जो वैल्यू रखी जाती है यहां पे ये हमेशा 2 से लेस देन 2 होती है, मतलब इसके अंदर केवल आप 0 और 1 ही यूज कर सकते हो, और इसका जो रेडिक्स होता है ये 2 होता है और इसका बेस भी 2 होता है। अब दूसरा तीसरा नंबर सिस्टम आपके सामने आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 8, मतलब ये होगी आपकी बेस वैल्यू और ये हो गई आपकी रेडिक्स, और इसके अंदर जो वैल्यू रखी जाती है ये हमेशा 8 से कम होती है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज आ गई ये आ गई आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम इसके अंदर 8 नहीं रख सकते क्योंकि जो टोटल वैल्यूज इसके अंदर आती है वो 8 आती है, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू आपकी 8 है और इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी जाती है वो आपकी 8 से कम होती है। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है इसकी रेडिक्स और बेस वैल्यू जो होती है वो होती है 16। ये हो गया इसका बेस वैल्यू और रेडिक्स हो गया इसका 16, और इसके अंदर जो आप वैल्यू रखोगे तो इसके अंदर हमेशा 16 से कम वैल्यू रखी जाती है। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, इसके अंदर रखी जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें जो 10 आ रही है इसकी जगह आप 8 रखते हैं, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। तो आप अभी काउंट कर सकते हैं कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये हो गया लास्ट में 16। मतलब इसके अंदर जो टोटल वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आपकी हैं 16, और इसका जो बेस वैल्यू है वो आप देख चुके हैं 16, और इसका जो रेडिक्स है वो है आपका 16। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये नंबर सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल्स होते हैं ये दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं। पहला होता है आपका एनालॉग सिग्नल और उसके बाद होता है आपका डिजिटल सिग्नल, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं इसको आप बोलते हैं, इसको आप एनालॉग सिग्नल को बोलते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल। और इसको आप बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या आप इसको बोलेंगे डिस्क्रीट।
मतलब ये हुआ जो आपके कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं ये हर समय मतलब किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी होती है, जैसे दया पावर तरंग हो गया या कोई भी ऐसा सिग्नल हो गया, ये आपके सामने कोई भी सिग्नल आ गया, ये आपके कंटिन्यूअस सिग्नल है। लेकिन अगर हम ऐसे सिग्नल की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सिग्नल जो है ये टाइम एक्सिस है और ये इसका एम्पलीट्यूड है या मान है, तो आप देख सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब हर समय इसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यू नहीं है, कभी इसकी वैल्यू ये है, कभी इसकी वैल्यू ये है, कभी ये है, और इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये हमारे होते हैं सिग्नल्स। अब जो हमारी मशीन होती है ये हमेशा काम करती है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो जीरो और वन के फॉर्म में होती है। तो यहां पे हमारा सबसे ज्यादा यूज जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम का। तो अब हम एक एक करके एक एक नंबर सिस्टम लेके आगे कंटिन्यू करते हैं कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर से कैसे जोड़ते हैं और हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैसे रीड होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं बाइनरी में। और बाइनरी से पहले हमें पता होना चाहिए डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है उसका हमेशा जो बेस वैल्यू होता है वो 10 होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और रेडिक्स इसका जो होता है वो 10 होता है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा 10 से कम में होती है। और हम जब वैल्यू की बात करते हैं तो हम इसके बिट की बात करते हैं कि जो इसकी सारी बिट है ये आपकी 10 से छोटी होनी चाहिए। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिट क्या होता है। तो बिट जो होता है आपका स्मॉलेस्ट, बिट क्या होता है आपका एक, आप बोल सकते हैं बिट जो है वो एक यूनिट के बराबर है, और बाइट आपकी एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत यूजफुल होता है और यहां भी इसका बहुत यूज है, तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज, अब जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 782 और इसका जो बेस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, तो आप सभी को यह पता होगा कि इसका ये जो होती है यूनिट प्लेस होती है, यूनिट प्लेस मतलब ये होती है 10 की पावर 0, और ये जो होती है ये होती है 10 की पावर 1, और ये होती है 10 की पावर 2। तो ये आगे कंटिन्यू होता चला जाता है, मतलब ये जो इसकी वैल्यूज होती है 1, 10, 100, 1000, ये आपने पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
कोई आपके पास नंबर लिखा हुआ है जैसे 782.56, तो जब आप पॉइंट के पीछे की तरफ जाते हैं तो ये कैसे होता है, ये आपका होता है 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, तो ये आपका 10 की पावर में माइनस होते हुए चला जाता है। तो ये आपके हो गए डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अब जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम आपको पहले बता चुके हैं इसकी जो बेस होती है वो हमेशा 2 होता है और इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी जाती है वो हमेशा 2 से छोटी होती है, जैसे 1 0 1 1 0 1, तो ऐसे कुछ भी वैल्यू लिखी हो सकती है। और अगर यहाँ पे कोई लिखा हुआ है मतलब इसकी जो बेस है वो आपकी 2 है और इसका जो रेडिक्स है वो भी आपका 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख के बता सकते हो कि ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है एमएसबी और एक होता है एलएसबी। एमएसबी मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट
एलएसबी मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब एलएसबी और एमएसबी में क्या अंतर होता है, ये हमने ऐसे किस लिए लिख दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एमएसबी और एलएसबी का मतलब ये होता है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिग्निफिकेंस, मतलब इस डिजिट से पूरे संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है रुपीज 100 या 100 रुपए, तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे जो आपके ये वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी होगी एमएसबी और ये वैल्यू होगी एलएसबी। तो एमएसबी हमने इसको 1 को क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसमें चेंज कर देते हैं, अगर इसकी जगह आप 900 कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर आप यहां पे इसकी जगह पे अगर आप कर देते हैं 109 तो इसकी वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेस चेंज मतलब बहुत कम चेंज आया है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपकी एलएसबी हो गई। तो अब हमें ये पता चल गया है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, हमें ये पता चल गया है डेसिमल नंबर क्या होता है। तो अब हमारे पास इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है कन्वर्जन, मतलब हम किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाइनरी नंबर से चेंज करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अब ये चेंज कैसे होगा, तो इसको चेंज करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हमने जान के ही बड़ा नंबर लिया था कि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाए। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे सिंपल सा लिखा हो, या आपके सामने ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कन्वर्ट 110 11101 इंटू डेसिमल नंबर। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इसका सेम मतलब है, तो आपके पास ऐसे दो फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इस नंबर को ऐसे ही नीचे कॉपी करना होगा। हम इस नंबर को ऐसे ही नीचे कॉपी करेंगे 110 11101। अब जब हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया है, अब इसके बाद आपको अभी आपकी जस्ट स्टार्टिंग है, वरना आप इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप स्टेप बाई स्टेप ही चलिए। तो आप देख सकते हैं इसकी यूनिट क्या है, आप पहले ऐसे बना लीजिए। अब आप यहां पे ये जो वैल्यूज रखी हुई इसको ऐसे ही कॉपी करिए नीचे 10 11 10 11। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। अब यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है जो इसका बेस है, मतलब ये वैल्यू। तो हम इसी वैल्यू से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां पे ये क्या हो गया 2 की पावर। अब 2 की पावर यहां पे इसका क्या यूनिट है, 0, तो आप यहां पे रखेंगे 0, फिर यहां पे 2 × 1, फिर यहां पे 2 की पावर 2, फिर यहां पे 2 की पावर 3, फिर यहां पे 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7। अब आप यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। आपको ये विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि ये आपके नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू होगी 1, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे आ गया 4, फिर यहां पे आपका आ गया 8, फिर यहां पे आ गया 16, फिर यहां पे आ गया 0, फिर यहां पे आ गया 6, 2 की पावर 6। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 2 × 2 आपको 6 टाइम्स लिखना होगा, ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16,
32, 64, तो ये आ गया आपका 64 और यहां पे आ गया 62 की पावर 7 हो गया आपका 64 इंटू 2, ये आ गया 4 2 8 128। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, 8 9 10 11 12 12 और 6 18 18 और 8 26 26, ये हो गया 30 31। तो यहां पे आ गया 31 का, ये हो गया 3। अब यहां पे 3 आपका कैरी आ गया, आपने 3 लिख दिया। अब यहां पे हो गया 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया आपका 12 और यहां पे 1, तो ये हो गया 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2 2 1। तो इसका आंसर जो हो गया, इसका आंसर आपका आ गया, आप इसको लिख सकते हैं यहां पे 110 11101, बेस 2 आपने कन्वर्ट कर दिया है 2 2 1 और इसका बेस हो गया 10। तो आप देख सकते हैं आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब अगर आपके पास जस्ट इसका उल्टा आता है कि आपको चेंज करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल में, आप चेंज कर चुके हैं, अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? तो हम इसी क्वेश्चन के ही आंसर को ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन लिखा था वो सही था या गलत। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से रीचेक भी कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सेकेंड क्वेश्चन 1 2 2 1 को आपको चेंज करना है, इसे आपको चेंज करना है डेसिमल नंबर, लिखा है गलत था, तो हम इसको क्या करेंगे फिर से डेसिमल से चेंज कर देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आपको ये चेक हो जाएगा कि ये आपका जो आंसर आया निकल के सही आया है गलत आया हुआ है। तो इसको जो करने का तरीका होता है ये होता है कंसेक्यूटिव डिवीजन, मतलब आपको लगातार इसमें डिवीजन करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया 2 2 1, जो आपको डेसिमल नंबर जो आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में आपने यहाँ पे लिख दिया, और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये आपका आ गया 2। अब आप क्या करेंगे, 2 2 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। तो डिवाइड करने का जो सिंपल तरीका होता है आप उसी तरीके से करेंगे। तो आप यहाँ पे रखेंगे 2, तो आप देखेंगे 2 1 2, तो ये आपका आ गया 0 और फिर नीचे 2 आ गया। अब 2 1 2 और फिर ये आपका 0 हो गया और फिर ये नीचे आ गया 1। तो आप देख सकते हैं 2 से छोटा हो गया तो ये आ गया 0, और 0 आने के बाद इसका जो रिमाइंडर हो गया वो आपका बच गया 1। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे इस जगह हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, ये कितने बार कटा है 1 1 0, और इसका जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, आपको जो मेन आपकी दो चीजें हैं वो ये है क्वेश्चन और इसका ये जो आपका है रिमाइंडर। तो इसको उठा के आप क्या करेंगे यहां पे रख देंगे, तो आप इसको यहां पे उठा के रख देंगे। तो हमने यहां पे उठा के रखा है इसको और ये आपकी वैल्यू यहां पे आई है 1। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे 2 रखेंगे और 2 रखेंगे फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर से इसको डिवाइड किया, यहां पे आपने ये रख दिया। तो अब आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 2 5 10, तो ये आपका हो गया और यहां पे आपका आ गया 1 और यहां पे आ गया नीचे 0 और फिर आपके यहां पे 5 हो गया और यहां पे आपका आ गया 10। तो इस केस में आप देख सकते हैं आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 55। तो आप यहां पे क्या करेंगे 55 और यहां पे उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो आपने ऐसे उठा के रख दिया। फिर उसके बाद आप यहां पे आएंगे तो आपने यहां पे 2 रखा और फिर यहां पे जब आप आए तो यहां पे आपने 55 किया और यहां पे 2, तो आप यहां पे करेंगे तो 2 2 4 और यहां पे आ गया 1 इसका रिमाइंडर और ये नीचे आ गया 5। अब इसके बाद 2 7 14, तो यहां पे आपका रिमाइंडर आ गया 1 और क्वेश्चन आ गया 27। तो आपने क्या किया, यहां पे लिख दिया 27
और रिमाइंडर आपका आ गया 1, तो आपने यहां पे रिमाइंडर लिख दिया 1, और इसके बाद यहां पे आपने क्या किया, यहां पे लिखा 2, और फिर उसके बाद आपने इसको सेम प्रोसेस किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको बार बार ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, वरना आप इसको डायरेक्टली भी यहां पे कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। तो अब आपने 27 को 2 से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे 2 1 2 जीरो हो गया और 7 नीचे आ गया। अब 2 3 6 और यहां पे रिमाइंडर आ गया 1, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 13 और यहां पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। अब यहां पे आपने 2 लिखा, तो अब हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 6 12 और रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 6 12 और रिमाइंडर बचा 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 2 से किया तो 3 6 और रिमाइंडर बचा 0, और फिर 2 से आपने इसको किया तो ये आ गया 2 1 2 और इसके बाद इसका जो रिमाइंडर आ गया वो आपका आ गया 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये वैल्यू है, आपको ये करना कब तक है, आपको जब तक करना है जब तक ये वाली जो वैल्यू है और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये छोटी ना हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी आता रहेगा आप लगातार डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन जब ये वाली वैल्यू आपकी इस वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो आप इसको रोक देंगे वहीं पे। अब इसका जो आंसर लिखने का तरीका होता है ये होता है नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये आंसर आप लिखेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप 1 लिखेंगे 1, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, और फिर उसके बाद आपने 1 लिखा, और फिर उसके बाद अगला 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा। तो ये जो आपका हो गया, ये हो गया आंसर, और ये किसमें आ गया, आपका बाइनरी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पहले लिया था क्वेश्चन और आपका 2 1 1 2 आपने 2 2 1 जो आपका आंसर आया था ये सही है। मतलब आप अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 1 base 10 is equal to 1 1 0 1 1 1 0 1 और base आपका हो गया 2। तो ये दोनों आप इक्वल हो गए, चाहे आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए और चाहे आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी और क्लियरिटी के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को और लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इसमें एक अलग स्पेशल टाइप होता है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम अब लेते हैं, आपको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 77 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्वेश्चन ऐसे भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है ऐसे, तो आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर डेसिमल से किसी नंबर में आपको करना होता है तो आपको क्या करना होता है, डी मतलब डिवाइड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि डी लिखा हुआ है मतलब डेसिमल टू कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर में, तो आपको डिवाइड करना है। तो हमने यहां पे क्या किया, फिर से उसी तरीके से फॉलो कर लिया 77, और किसे डिवाइड करना है, 2 से करना है। तो अब हम इस बार डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा, या आपको अगर एक दो डिजिट के लिए करना है तो आप कर भी सकते हैं। जैसे हमने 77 को यहां पे रखा और किसे डिवाइड किया, 2 से, तो आप देखें 3 6 रिमाइंडर 1, 7 नीचे आ गया, अब ये आपका हो गया 8 16 और रिमाइंडर आ गया 1। तो आपने क्या किया, यहां पे क्वेश्चन रखा 38 और यहां पे आपने रख दिया इसका रिमाइंडर, तो हमने इसका रिमाइंडर रख दिया 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आपने जब 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, आप देखेंगे ये पूरा कट जाएगा, जब पूरा कटता है तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये पूरा कितने बार में कटेगा, 2 1 जा और ये 9 जा और रिमाइंडर कितना इसका हो गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया। अब इसके बाद जब आप 2 से करेंगे तो आप देखेंगे 19 से पूरा नहीं कटता है, रिमाइंडर कितना आएगा,
एटी मतलब टू नाइन था 18, तो कितने बार में गया, 9 बार में गया, और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब इसके बाद आप फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 जा गया और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। फिर इसके बाद आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो इस बार पूरा कट गया, 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना आया, 0। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से 2 से किया, क्योंकि अभी 2 2 के बराबर है, आपको और आगे डिवाइड करना होगा, तो आपने फिर से किया तो क्या आया, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना है, 0। अब आपने यहां से उठा के ऊपर की तरफ रख दिया, तो जब यहां से उठा के ऊपर की तरफ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1 1 और फिर 0, उसके बाद फिर 0 और फिर 1 और फिर 1 फिर 0 और फिर 1। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, आप यहां पे आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया आपका 1001101। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब हम इसी तरीके से दूसरा सवाल ले लेते हैं कि हमें बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसी बाइनरी नंबर को ले लेते हैं, आप क्वेश्चन आपने बदल दिया, आप क्या बदल दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में, और बाइनरी नंबर क्या है आपका 1001101। तो अब आपने क्या किया, इस बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका सॉल्यूशन 1001001। अब इसको आपको उसी तरीके से लिख लेना है 1001001। अब आपने इसको इसी तरीके से लिख दिया, अब इसमें इनटू इनटू किससे करना है, इसकी बेस वैल्यू क्या थी 2, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। अब यहां पे आप जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 0 हो गया 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, यहां पे इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी वैल्यू होगी 8, इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी होगी 0 और इसकी वैल्यू होगी आपकी 2 की पावर 6 की वैल्यू आती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 और ये हो गया 64। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 64, आपने यहाँ पे 64 रख दी। अब इसको आप टोटल कर देंगे तो ये आपका आ गया 8 4 12 12 4 16 1 17, तो ये आ गया 17 का 7। अब उसके बाद एक ऊपर कैरी चला गया और ये हो गया 7। तो आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू आ गई ये आ गई 77। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 77 लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये आंसर क्रॉस चेक हो गया कि आपने पहले क्या किया था, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में किया था, फिर उसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में किया तो वो वैल्यू सेम आ गई। तो आप देख सकते हैं आपका ये क्रॉस चेक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर को डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है पॉइंट सिस्टम में, मतलब हम इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हम ले रहे हैं एक नया एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल एक अलग एग्जाम्पल होगा। जैसे हम अभी कंसीडर कर रहे हैं आपको क्या करना है, एक बाइनरी नंबर 1011 को कन्वर्ट करना है, नहीं ये स्पेशल केस है आपका, तो आप इसमें क्या करेंगे 1011.01। अब हम इसमें डेसिमल ले आए, इसमें पॉइंट ले आए हैं और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर में, तो अब इसको हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से वही अपना टेक्निक फॉलो करेंगे, लेकिन इसको दो स्टेप में किया जाता है। हम इसको दो स्टेप में कैसे करेंगे, पहले इसको उठाते हैं 1011, और मैं आपको बता दूं कि इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ये एक सबसे इजी तरीका है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, इसके बाद आपको हम एक शॉर्टेस्ट तरीका बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है 1011 है, अब इसको आपने वैसे ही लिख लिया
हमने इसको नीचे वन लेके आ गए, इसको नीचे वन लेके आ गए, फिर जीरो लेके आ गए और फिर वन लेके आ गए। अब इसमें आपको क्या करना है, इसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 0 × 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3। तो इसकी वैल्यू जो आ गई ये 1 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 और इसकी वैल्यू आ गई 0 और इसकी वैल्यू होगी 8। तो यहां से आपकी इसकी वैल्यू निकल के आ गई 8, 9, 10, 11। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 11। अब हम इसके डेसिमल सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ये जो आपका डेसिमल सेक्शन है इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल सेक्शन कैसे सॉल्व होता है, डेसिमल सेक्शन लिखा हुआ है 0 और 1। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 0 × बेस क्या है 2, तो आप 2 की पावर ये हो गया -1, फिर उसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा 0 × 2 की पावर -2। तो यहां से आपकी अलग अलग वैल्यू आएगी और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 × 2 की पावर -1 + 0 × 1 है ये हो गया आपका 1 × 2 की पावर -2। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका 0 प्लस यहां से क्या वैल्यू आ गई आपकी 1 की पावर नीचे 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 4 की जगह 0.25 लिख सकते हैं। तो आप आपका जो आंसर हो गया ये हो गया 11.25। तो अब ये आपके सामने जो आंसर आ गया है ये हो गया 11 × 0.25। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक डेसिमल नंबर को या एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदल देते हैं, और अगर उसमें कोई डेसिमल लगा होता है तो ये उसका तरीका होता है करने का। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें किसी में भी डेसिमल नहीं लगा हुआ था, तो इसमें दोनों को करने का जो तरीका होता है हमने आपको डिफाइन कर दिया, इसको कैसे करना है और इसको कैसे करना है। अब अगर आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कैसे लिखना होगा, सारे क्वेश्चंस को आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखना होगा, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर 0 + 1 × 2 की पावर 1 0 × 2 की पावर 2 फिर 1 × 2 की पावर 3। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं पूरे नंबर को, और उसके बाद जो ये वाला जो नंबर है इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × 10 की पावर -1 + 1 × 10 की पावर -2। और जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आती है 11 और यहां से जो वैल्यू आती है ये आती है 0.25। तो इसका जो कंबाइंड वैल्यू हो गया ये हो गया 11.25 और इसका जो बेस हो गया ये हो गया 10। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो यहां पे है ये आपका यहां पे 2 होगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहां पे आपको जो आपको जिसकी भी पावर लेनी है इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए जल्दबाजी में हमने भी गलत कर दिया इसमें, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको यहां पे किसकी पावर लेनी है। तो यहां पे जो भी ये नंबर होगा हमेशा इसी की पावर ली जाती है, ठीक है। अब इसका जो आंसर आ गया आपका 11.25 आ गया। तो अब हमारे पास जो अगला होगा क्वेश्चन, तो आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एक डेसिमल नंबर को चेंज करना है एक बाइनरी नंबर में। इसमें एक हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब डेसिमल नंबर अगर कोई दिया हुआ है 77.5, अब हम वही नंबर देते हैं जो आपके सामने था जिससे आपकी मोर ज्यादा क्लियरिटी हो जाए, और वो नंबर क्या था 11.25। इसको आपको क्या करना है, ये डेसिमल नंबर को आपको चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो 11.25 हो गया और इसको आपको चेंज करना है एक बाइनरी नंबर में। तो ये हम चेंज कर रहे हैं, तो आप इसमें देख पाएंगे इसको कैसे चेंज करेंगे।
अब डेसिमल है तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है। हमने इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इस नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 5 10 रिमाइंडर 1, फिर 2 4 2 2 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 और रिमाइंडर इसका 2 2 1 2 और रिमाइंडर क्या आ गया इसका 0। तो इस तरीके से क्या हुआ, आप इसको जब यू लिख देंगे तो ये हो गया 1 0 1 1। अब ये आप यहां से वैल्यू आ गई। अब जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है 0.25, इसको कैसे करना है, अब जो 0.25 आपकी वैल्यू है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अब यहां पे हमने जब इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 0.5 आ गया। फिर इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 0.5 × 2। तो यहां पे क्या आ गया, इस जगह आपको इस किस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई कैरी आ रही है या नहीं आ रही, तो आप यहां पे देखेंगे यहां पे कैरी नहीं आ रही, कैरी क्या है इसकी 0 ही है। और यहां पे क्या आ रहा है 2 5 10, कैरी क्या होता है, कैरी आपका कौन सा नंबर होता है, तो कोई भी नंबर जो जैसे इस नंबर में आप समझेंगे, यहां पे आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे कैरी बन जा रहा है, मतलब यहां पे आपकी वैल्यू हो गई 0.0। और यहां पे जो पॉइंट से आगे वैल्यू आती है ये वाली, इसको आप क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं कैरी। तो ये हो गया यहां पे 1। तो यहां पे जो आपका आउटपुट निकल के आ गया वो आपका आउटपुट निकल के आ गया 1011.01, मतलब इस तरीके से आप इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो आप देखेंगे जो आपका सवाल था वो सेम यही था, आपका ये सवाल सेम था, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आई है ये एकदम सही आई है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब किसी भी आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको पहले डिवाइड करेंगे और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखी हुई है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ भी आ सकता है आपका वैल्यू 0.5 आ गया। अब 0.5 अगर आया तो इसका मतलब अगर आपने 2 5 10 किया, कैरी 1 ऊपर आया, फिर 2 2 4 किया और ऊपर 1 5 हो गया, लेकिन पॉइंट के आगे कोई वैल्यू नहीं जा रही तो इसकी कैरी क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। लेकिन जब आपने यहां पे कुछ मल्टीप्लाई किया 2 5 10, तो जब 10 हुआ तो ये 1 इसका आगे जा रहा है, मतलब पॉइंट से आगे जा रहा है, तो ये जो 1 होगा ये कैरी हो जाएगा यहां पे 1। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब 0 और 1, तो हमने वैसे लिख दिया 0 से 1। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, आपको 11.725 ये आपका एक बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, और इसको जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको आपको एक बार चेक भी करना है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में।